सो है गाइस, की हाल चाल सब तो सारे वधिया होंगे। हरियाणवी ओल्ड स्कूल लाइक बाई हरियाणवी अपडेट्स वगैरह दिता आ। सो स्टार्ट बाई ने पॉडकास्ट उत्ते गल की है तो कि धंधा लियाने वाले का भी कुछ रौला है जो शायद एक्सप्लेन हो जाए अज। का स्वागत अपने चैनल हरियाणवी ओल्ड स्कूल में। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि केडी का जो पॉडकास्ट आ गया है उसमें टांडा गला कोला है, बैमडी गला कोला है, उन चीज़ों पर के बोलिया उसने पूरा एक्सप्लेन करेंगे पूरा पॉडकास्ट ने, तो हमने शॉर्ट में बता दूंगा। और बहुत सी हरियाणवी अपडेटा ही बात करेंगे। सुमित गोस्वामी का भी गाना आने लग रहा है, एनडी कुंडू का भी गाना आने लग रहा है। तो सबसे पहला बात कर लिया एनडी कुंडू का। एनडी कुंडू का नखरो गाना आना था जिसका कि टीजर आ लिया है। तो एनडी कुंडू का यू गाना रिलीजिंग डेट भी आ गई है। यू गाना रिलीज होने लग रहा है 22 तारीख ने। तो गाना का जैसा टीजर है उसका लागे कि एक रोमांटिक गाना होने वाला है। आ गया मतलब गाना है ना, आज तो वादा हो गई तरीके। और आगे बात कर लिया सुमित गोस्वामी की। सुमित गोस्वामी ने अपना नया गाना अनाउंस कर दिया है। सुमित गोस्वामी का जो सबसे ज्यादा हिट गाना रहा था, जो शुरुआत में हिट गाना रहा था भोलेनाथ, तो उस गाना का दूसरा पार्ट आने लग रहा है। सुमित गोस्वामी ने एक स्टोरी लाई है जिसमें उसने लिखा है कि भोलेनाथ 2 कमिंग सून। तो भोलेनाथ 2 आने लग रहा है। और आगे केडी का पॉडकास्ट की बात कर लिया, तो सबसे पहला बात करा कि केडी ने सबसे पहला बताया है कि जो एमडी केडी की जोड़ी थी, इन दोनों की जो जोड़ी थी वह सबसे ज्यादा हिट रही थी। और केडी ने सबसे ज्यादा दुख होया था जब एमडी केडी अलग हुए, न्यारे हुए, तो सबसे ज्यादा दुख होया था केडी ने। जैसे मैं और एमडी भाई जब अलग अलग हुए थे तब थोड़ा यूं लगा था कि जैसे बहुत सालों की हमारी मेहनत खराब कर ली हमने आपस की खिंचातानी में, और यूं नहीं लगा था कि मेरी ही होगी, यूं लगा था कि दोनों की होगी। एक जोड़ी जो लेके चले थे, जो लोगों के दिला में जो नाम एक छापा था, लोगों के दिला में जो जगह बनी थी, एमडी के डी इकट्ठा जो लोग देख रहे थे, लोगों ने प्यार भी खूब दिया था, एक तरफा प्यार दिया था बिल्कुल। उस टाइम पे ऐसे ऐसे शो हमने देखे हैं, ऐसे ऐसे कॉन्सर्ट किए हैं, ऐसे ऐसे गाने इतने टॉप लेवल पे, सब चीजें मतलब बहुत गजब देखी है। तो वो एकदम से जब जोड़ी टूटी तब थोड़ा सा यूं 6 साल महीने तक नो फील हुआ था कि ये टाइम अच्छा नहीं है। और केडी एमडी और केडी की जो जोड़ी टूटी है उस पर पहली बार थोड़ा डिटेल में बोले कि मैं जरूर कोशिश करूंगा एमडी केडी का गाना लब के ना उते को रिएक्ट करांगे। तो यार जोड़ी किस वजह से टूटी है या तुसी कमेंट कर दियो ना कि पहला हमारी लड़ाई हो जा करती तो हमने एक दूसरा ने मना लिया करते और उस लड़ाई की इतनी अहमियत कौन दिया करते, लेकिन जो हमारा बीच में तू मैं किसी चीज होगी जिसमें एक दूसरा तो मनाए को नहीं, एक दूसरा की ईगो आगे आएगी तो कई दिन तक हमारी बात को नहीं हुई। वह बढ़ती बात इतनी बढ़ गई कि आपस में हमने अपना काम धंधा न्यारा कर लिया ना। रीजन तो कुछ ज्यादा खास नहीं था, बस रीजन तो छोटी मोटी बात, बस वही कई बार हो जाएगा, छोटा झगड़ा बड़ा बन जाएगा, वो बड़ा जब बन जाए जब आप मनाने में टाइम ज्यादा लगा दे एक दूसरे को। अच्छा। पहले हमारा क्या था आपस में, जैसे दोनों ने डिसाइड कर रखा था कि भाई अगर आज किसी बात पर अपना झगड़ा होगा, बहुत हुए झगड़े हमारे पहले भी हुए बढ़िया हुए हैं, और जिसमें डिसाइड था कि आज अगर रात ना झगड़ा हो गया कल ना मैं फोन करूं चाहे तू करेगा, लेकिन फोन पर उस कल वाले झगड़े की बात नहीं करेगा, भाई रात ने तो ऐसा क्यों किया, परसों तो ऐसा क्यों किया, कल क्यों किया, नई बात शुरू कर दियो, कोई भी नई बात शुरू कर देंगे तो पुराना झगड़ा क्रिएट नहीं होगा। जो करो आज झगड़ा हो गया अगले दिन मैंने फोन करना है भाई को, तो मैं नू नहीं कहा करता यार कल तो नई बात गलत बोली, मैं सीधा नुका करता है स्टूडियो का 9 तारीख का टाइम ले रखा है, बस कल ले रखा है, तो बात डाइवर्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस बार खत्म नहीं हुई थोड़ी, एक दूसरे में थोड़ा दोनों का ईगो मान लो भाई, वही मरोड़ में रह गए दोनों, वो भी मैं भी। और केडी ने एमडी गला कोलैब पे भी कहा है कि मारी कोलैब शायद नहीं आवे कदे, हाँ वो उसका कदे आ भी जाए, लेकिन इब्बो ऐसा कोई प्लान नहीं है कि भाई मारी कोलैब आवेगी ना, ऐसा तो कोई प्लान है नहीं अभी तो कुछ साथ में काम करने का, तो पर हूं भाई भविष्य का किसी ने कुछ पता नहीं है, हमने खुद भी नहीं बेरा तब क्या मन हो जाए क्या इच्छा हो जाए। और केडी ने नए नए बालक सही गल है सर, अब तो कोई पता ही नहीं ना की सिस्टम तक के सलाह दे कि भाई जो नए नए बालक है जो इंडस्ट्री में आवा है तो उनने के करना चाहिए, क्योंकि तो हमने वर्सेटाइल होना चाहिए, न्यू नहीं कि भाई तम एक दो गाना तारा चाल पड़ा तो तम अपने आप ने सब कुछ मानने लग जाओ। एडवाइस तो की है बस, मैं तो रिक्वेस्ट ही करूंगा भाई दिमाग में ना फितूर मत होने दो, अगर एक गाना आपका चल गया, और आज का टाइम तो ऐसा है कि एक गाने से सिंगर स्टेब्लिश नहीं हो पाता, एक गाने तो ठीक है भाई लोगों के नॉलेज में आ जाए फलाने का गाना था, अगर आपने लगातार चीजें अच्छी नहीं दी तो लोग भूल जाएंगे, क्योंकि लोगों का ऑप्शन बहुत है भाई। ठीक है पुराने टाइम में गिने चुने सिंगर आया करते, अगर रागनी के टाइम की बात करें या उसके बाद की बात करा तो गिने चुने सिंगर थे कि हमारे द्वारा 20-30 सिंगर है इन्हीं को सुनना है, आज उसको सुनना है, कल उसको सुनना है, परसों उसको सुनना है, या मिक्स सुनना है, ईब वो टाइम नहीं है, ईब तो लोगों ने वो सुनना है जिसमें लोगों ने मजा होगा भाई। मैं अगर कोई डिलीवरी ऐसे गानों की दे रहा हूँ जिसमें लोगों ने मजा हो तो मन सुन लेंगे, आप कोई ऐसी डिलीवरी दे रहे हो तो आपने सुन लेंगे, और जिस दिन आपने नू लग गया कि तेरा तो एक गाना ताबड़ तोड़ चला गया तू कुछ भी गा दे सब चलेगा, उस दिन ये लोग गैप कर लेंगे फिर, और इसमें लोगों की गलती भी नहीं है, क्योंकि लोग सॉटर टीवी वाले ने थोड़ा पॉडकास्ट किया है
ने आपको जिस पर्पज से सुना है उससे आपको भी फायदा हो रहा है। अगर आपको लिसनर आपके बड़े हैं, सुनने वाले बड़े हैं, तो आपकी भी लाइफ सेट हो रही है, आपको पैसा भी आ रहा है, सारी चीजें सब कुछ सेटल हो। और इसमें केडी नूबी कहना चाहेगा कि तो हम सिर्फ डिस पे नहीं चल सकते, किसी ने डिस करके एक तो गाना हिट हो जाएगा, चैल पड़ेगा, लेकिन फिर तो हमने अपनी जो वर्सेटिलिटी है उस पर काम करना पड़ेगा। और केडी ने डांडा न्योड़ी वाला के बारे में बताया है, जो पहला भी पॉडकास्ट में बोला था कि भाई डांडा गले के कॉन्ट्रोवर्सी है, तो केडी ने कहा कि भाई मेरा तो ऐसा कि मैं लेना देना को नहीं, हाँ वो मैंने डिस करता रहा है, उसका मेरा नहीं दिमाग में के चीज है के ना है। वो मैंने बताया भी था पिछले पॉडकास्ट में कि जब हम रिप्लाई मोड करे जाऊंगा, मान लो मैं अगर रिप्लाई करता हूँ, आज रिप्लाई कर दिया, कल ना फिर मैंने नॉर्मल अगर रेगुलर गाने अपने वैसे ही शुरू कर दिए जो मैं करता आ रहा था, तो लोगों के दिमाग में नहीं बैठ जाएगा कि रिप्लाई क्यों नहीं करा, क्योंकि अगर मैं रिप्लाई करूंगा कल को उसके भी आओ फिर रिप्लाई, उसके तो आते रहो रेगुलर, चाहे मेरा आओ चाहे ना उसके आते रहो, लेकिन मैं अगर रिप्लाई करूंगा फिर कंटिन्यू रिप्लाई देना पड़ेगा। और अगर आप रिप्लाई मोड गए तो मैं एक थीम मोड जाऊंगे, वो थीम ये रहेगी कि मैं हूं सब कुछ। मुझे फिर एक चीज समझाओ, ऐसा क्या हुआ कि ढाडा ये करने लग रहा है ऐसा, मतलब मुझे एज अ व्यूअर देखूंगा ना, ये भी मैंने बता दिया था पॉडकास्ट में, पूरा बताया था, लेकिन वही मैं रिपीट करूंगा कि मैंने आज तक नहीं पता कि किस वजह से वो कर रहा है, किसने भाई तो बताया कैसा कर ले, ऐसे करने तो नहीं हो जाएगा। वो ये चीज साड़ी थी, आपका मेलबर्न का टूर हुआ था, याद होगा, हाँ, चार आप सब हाँ, हाँ, तो उसके बाद से वहां से उसने स्टोरीज डालनी शुरू की थी, ये सब हुआ था, मैं फॉलो करता हूं इस चीज को। हाँ, वो उस चीज ने वो क्रिएट कर ली, उसने वो बनाई थी वो चीज, वहां से स्टोरी उस गाने में वो जो लाइन डाली थी, शो लाले टक्कर में फिर देख कौन गाना गी गाला चक्कर में, यो गाना जब आया था जब डांडा कितने सीन में नहीं था, कितने फील्ड में नहीं था, और यो गाना इस वजह से आया था कि मारा कोई कोलैब होना था जब मैं और एमडी भाई साथ थे किसी पंजाबी सिंगर के साथ, तो उसने उस कोलैब पे मना कर दिया था कि मैं हरियाणवी नहीं करूंगा, तो असल में तो डिश ये कहीं और था शुरू से, जब ये तो लाइन में भी नहीं थे, तो इसने इस डिश को अपनी तरफ खींचा है, ये डिश अपनी तरफ खींच के इसने इस चीज को क्रिएट किया। पंजाबी जेवर ग्रेवाल था ना? अच्छा, ना ना ना, और डांडा की और केडी की केडा ग्रेवाल जेवियर जब है इसने इस चीज को क्रिएट किया, पंजाबी जेवर ग्रेवाल था ना? केडा ग्रेवाल है, केडा कलाकार है? अच्छा, ना ना ना। और डांडा की और केडी की कोलैब आवेगी या नहीं आवेगी, वो भी सवाल पूछा था, तो इस पे केडी ने बड़ा फनी सा जवाब दिया कि भाई इब्बो तो ईसा सीन भी कोनी था, हमने बे रहा है कंट्रोवर्सी चालन लाग रही, तो इब्बो तो ईसा सीन भी कोनी, भाई मैं उस गले ब्याह में भी जाऊं, कोलैब तो बहुत दूर की बात है। क्या डांडा और केडी एक साथ किसी सॉन्ग में देखे जाएंगे? ना, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं, एक साथ तो ब्याह शादी में जाने की सिचुएशन नहीं है, गाने की तो बात ही नहीं है। और एक रैपिड फायर भी पूछा गया केडी पे कि भाई महेंद्र रावत लेखनी सिंगिंग दोनों, कंपोज भी मिंटू पाबरा, कंपोज और लेखनी दोनों बहुत तगड़ी, अमित सैनी रोहतकिया कंपोज बहुत तगड़ी, वोकल बहुत तगड़ी, रीच है उनकी ना वॉइस की, गुलजार चन्नी वाला वोकल और लेखनी दोनों, खासा आला चार वोकल लेखनी दोनों, भाई भी हाँ वो तो है ही दादा न्यूली वाला वोकल, और कुछ बता दिया रखी सारे सुमित गोस्वामी वोकल, वोकल बहुत तगड़ी। और एमडी और केडी जब न्यारे हो गए थे तो उस पाछा केडी ने छाया भी नहीं था, कुछ काम नहीं करा था, कोई गाना वगैरह नहीं आया था, तो उस पाछा केडी का सीधा उम्मीद गाना आया था, तो वो उम्मीद गाना केडी ने क्यों करा था उस पर भी केडी बोल, इतना पॉजिटिव नहीं था, बस मुंह था मैंने कि गैप बहुत ज्यादा होगा, अब कोई गाना कराओ। अच्छा, फिर एक चीज भी होगा, अगर उसके बाद सीधा कोई कमर्शियल गाना या कोई अदर थीम पर गाना कर दिया तो लोगों के कभी बहुत मन में सवाल रहोगा, यार इतने दिन चुप रहकर कुछ बताया भी नहीं, फिर चुप क्यों था, तो इसलिए मैंने सोचा भाई उम्मीद गाना लिखा रिकॉर्ड, लेकिन उम्मीद की अगर एक एक लाइन भी पढ़ो उसमें कहीं ऐसा दिखता नहीं है कि क्या रीजन रहा है। और केडी की जो ईपी आनी थी, केडी ने अनाउंस करी थी, तो वह किस वजह से लेट होने लग रही है और कद आनी थी, वह नया साल पर आनी थी, लेकिन गन्नू की वजह से कहे कि वह ईपी लेट होने लग रही है, तो ईब आपने सितंबर तक पहला वह ईपी सुनने में मिल जाएगी, दो चार प्रोजेक्ट और आओगे केडी के, उस पर अच्छा वह ईपी आपने सुनने में मिल जाएगी। ईपी आने लग रही है जो काफी लेट है, या नए साल पर आनी थी, लेट है गन्नू की वजह से, इसमें कोई कहने में दिक्कत नहीं है, आस पास अगर नहीं है तो अच्छा अरे ना है नहीं, गन्नू की वजह से नू है लेट, क्योंकि गन्नू पे लोड बहुत है आज के टाइम प्रोजेक्ट का, खूब काम का लोड है, और कई बार वो इस समस्या में रह जाए कि कई बार मान लो मेरा काम सारे पहले करके दे दिए तो दूसरे कलाकार और जो टच में है वो इन्हू कह देंगे यार ये तो केडी केडी का टाइम पे करके दे रहा, हमारा नहीं दे रहा, तो रिलेशन कहीं ना कहीं थोड़े से दिक्कत में उस चीज से होते हैं, पर वो बैलेंस करता है उन चीजों ने, तो अब उस ईपी को हम बहुत जल्दी रिलीज करेंगे, बीच में और मेरे कमर्शियल प्रोजेक्ट आ गए, जो अब लेट हो रही है वो मेरी वजह से हो रही है, क्योंकि बीच में कंपनियां के जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च करने जरूरी है, उनका टाइम दे रखा है, जैसे ही दो तीन प्रोजेक्ट और बाकी ये हो जाएंगे फिर ईपी डाल देंगे, और वो अलग वाइब की ईपी है, हिप हॉप की अलग ही वाइब है उसमें, ट्रिपल एच तो फिर भी एक कॉमन सा जो रेगुलर हिप हॉप आप करने लग रहे थे वो था, इसमें थोड़ा डिफरेंट है मामला, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ थोड़ा डिफरेंट, कुछ थोड़ा बताओ, कुछ है गुनगुना सकते हो कुछ? ना गुनगुना तो नहीं सकता अभी तो, पर उसमें नू है कि मैंने खुद ने नू फील हुआ कि मैंने ये सारे गाने अलग वाइब के करें जो अब तक नहीं करे। अच्छा, कितने गाने होंगे उसके अंदर? पांच गाने, पांच गाने। हां जी, और हम इस साल मतलब सितंबर तक कह सकते हैं? हो सके सितंबर तक पहले भी कर दें,
और एक बात केडी ने बहुत बढ़िया बोली कि जब बंदा पब्लिक फिगर हो जाए तो फिर पब्लिक का हक बना है कि भाई उसकी अच्छी चीज ना अच्छी कवा, माड़ी चीज ना माड़ी कवा, और जो आर्टिस्ट है उसने भी यह चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए कि भाई हाँ जब बंदा मेरे तक अच्छी चीज पर अच्छी कवा था और आज यू माड़ा बोलने लग रहा है तो कुछ ना कुछ तो मतलब इसने कुछ ना कुछ अच्छी को नहीं लागी होगी जद इसने बताया है, क्योंकि वो बंदा अच्छी ना तो अच्छी कह करता तो मन्ना अपने आप में सुधार करना चाहिए है। तो क्वेश्चन भी था बंदे ने डाला था क्वेश्चन कि आप हनी सिंह के साथ कोलैब करेंगे कभी? हां हां हल्की फुल्की बातचीत हुई है अभी, ऐसा कुछ फाइनल प्लान है? और एक वो जो केडी का बहुत वायरल गाना है साइन थीटा कोस थीटा वाला, तेरी हाय हेलो सारी ठीक चाल गिर हमारे साइन थीटा कोस थीटा काम को लिया, तो यो गाना भी पूछा था कई ने कि भाई यू गाना कब आओगा, तो केडी ने इस तरह साफ मना कर दिया कि भाई यू गाना कभी नहीं आओगा, यू मना गाना सिर्फ लाइव खातर रख रखा है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। नाइस, ठीक है, बढ़िया एक्सप्लेन किया भाई ने एंड काफी गल्लां क्लियर हुई हैं। ओके एंड मैं चाहता कि दादा न्योली वाले नाल भी गलबात की जाए, ठीक है, वो भी बई दसे थोड़ी बहुत कहानी, सो देखते हैं। सत श्री अकाल।